अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, आज हम IS-8 में आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि डिसमेंटलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि देखें, अगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा तो आपको ये हरगिज़ नहीं समझ आएगा कि इसके अंदर एरर हुआ तो उसको सही कैसे करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह आप लोगों के जो बेसिक्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, जिस पर मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं आता होगा। सही है जी? तो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर देखते हैं इसमें एरर होगा तो वो सही कैसे होगा। तो सही करने के लिए पहले आपको बेसिक पता होने चाहिए कि असल में सही अकाउंटिंग होती क्या है उसकी। लेके चलते हैं आगे। देखें, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल बनाई है आपकी, और मैंने कहा कि मैंने एक ऑफिस बिल्डिंग परचेज की जिसके लिए मैंने कुल मिला के 5 मिलियन रुपीज़ दिए हैं। जी, 5 मिलियन की अमाउंट आ रही है। तो आपको ये बात तो पता है ना कि सर मैंने यूजुअली अभी यहाँ पर एक एंट्री बनाई होगी। अच्छा, इस एंट्री का परफॉर्मा मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, ये बना लेते हैं। अच्छा भाई, हमने सबसे पहले ये काम ये किया होगा, डेबिट और क्रेडिट। सर, हमने यहाँ पे बिल्डिंग डेबिट की होगी और कैश क्रेडिट किया होगा। सही है जी? मैंने कहा सर ये हम डेट डाल लेते हैं यहाँ पे, और ये आ गया हमारा पर्टिकुलर्स। और सर डेट हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये बिल्डिंग परचेज की है मैंने कोई January 1, 2020 पे। सही है जी? ऊपर अमाउंट कितनी लिखी हुई है बच्चों? ऊपर अमाउंट लिखी हुई है सर 5 मिलियन की। ये रही, मैंने कहा सर 5 मिलियन मैंने यहाँ पे टिका दिया और उसको इससे लिंक कर दिया। ये आइडियली एंट्री बनती है, ये आइडियली एंट्री बनती है। सही जी? ये आइडियली एंट्री बनती है आपकी किसकी सर? एक्विजिशन की, यानी कॉस्ट है ना, ये आपने सिंपली इसको कैपिटलाइज कर दिया, सिंपल बात है ये। चलें जी आगे। फिर मैंने कहा सर कि ये तो हो गई इनिशियल रिकग्निशन, पर सर यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। यहाँ पे आपने जहाँ ऑफिस बनाया हुआ, लेट से कि भाई आप एक अंडर डेवलप एरिया में, यानी ऐसी जगह पर एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं जहाँ से ऑयल एंड गैस के मिनरल रिजर्व निकलते हैं, आपने वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर लिया, बनवा ली, सही है जी, खरीद ली। अब गवर्नमेंट आपको कह रही है कि भाई जब आपका लाइसेंस खत्म होगा ना, तो आपने यहाँ से जब जाना है तो इस बिल्डिंग को डिमोलिश करके जाना है। बिल्डिंग को क्या करके जाना है? डिमोलिश करके जाना है, मेरी बात पे फोकस करना। वो कह रहा है बिल्डिंग को डिमोलिश करके जाना है, तो आपने इसकी यूजफुल लाइफ के आखिर में एक खर्चा इंकर करना है, एक खर्चा इंकर करना है। बट मुझे IS-16 ये कहता है, मुझे IS-16 ये कहता है, IS-16 स्टेट्स दैट ईच डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज। वो कहता है कि भाई इस एसेट को हासिल करने के लिए जो भी कॉस्ट तुम्हारी जेब से लगी या लगेगी वो सब इसमें क्या होगी? कैपिटलाइज होगी। पर एसेट को हासिल करने के लिए, मैं आपसे अगर एक सिंपल सवाल पूछूं बच्चों, कि अगर आप ये बिल्डिंग नहीं लगाते, यानी ये बिल्डिंग नहीं बनाते या बिल्डिंग नहीं खरीदते, तो क्या आपके ऊपर ये बल्ली आती डिसमेंटलिंग की, डिमोलिश करने की? नहीं आती। तो वो यही कहता है कि भाई ये जो आप बिल्डिंग खरीद के लाए ना, कि आपने जो खरीदी है आप, जिसमें ओन जाके रहेंगे, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बनेगी आपकी, तो इस बिल्डिंग के लिए टेक्निकली आपने 5 मिलियन नहीं दिए, आपने और पैसे देने। पर वो और पैसे इसको एक्वायर करने के लिए, इसको डिमोलिश करने के लिए? तो सर इसको डिमोलिश करने के लिए, पर वो भी तो आपका एक खर्चा ही है ना, जो कि इस एसेट से डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल है, तो वो भी तो इसमें कैपिटलाइज करो। बट मसला क्या है सर? मसला ये है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ऑल टुगेदर मैं आपके लिए यहाँ पर एक टाइमलाइन बनाता हूँ। सर मैंने जो बिल्डिंग है ना, सर मैंने बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्ट की है यहाँ, या एक्वायर की है यहाँ, सही जी, 5 मिलियन की। और वो डेट क्या है सर? वो डेट है January 1, 2020। ये मैंने यहाँ पे ये कर लिया भाई, वो January 1, 2020 है। अच्छा, मुझे इसको डिमोलिश कब करना है सर? January 1, 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020, 1 साल हो गया, यानी 20, 21, 22, 23, 24, यानी सर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 31 दिसंबर 2024, ये वो दिन है जब ये डिमोलिश होगी। अच्छा, फिर वो कहता ही है कि भाई देखो, अंदाजा लगाओ कितने पे डिमोलिश होगी। सर यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये डिमोलिश होगी, क्योंकि मैंने इलस्ट्रेशन बनाई है पूरी, ये डिमोलिश होगी 483153 पे। मैंने कहा सर ये डिमोलिश होगी 483153 पे। सही जी? ये है इसकी डिमोलिश वैल्यू, इतने पे ये डिमोलिश होगी। पर सर ये वैल्यू तो 5 सालों बाद की है,
ये वैल्यू तो सर 5 सालों बाद की है, मैं कैपिटलाइजेशन कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कैपिटलाइजेशन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो सर मुझे आप एक बात बताएं, अगर मैं जानी कैपिटलाइजेशन यहाँ पर कर रहा हूँ तो आपको क्या ये बात नहीं समझ आती, आपको क्या ये बात नहीं समझ आती कि सर इफ आई एम डूइंग कैपिटलाइजेशन 5 ईयर्स बैक, तो आज के मुकाबले में देखो जो फ्यूचर में पैसे पे करने हैं वो तो वो एक्चुअल वैल्यू है ना, उसके अंदर तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी होगा, इन्फ्लेशन भी होगी। तो वो कहता ही है कि इन्फ्लेशन को हटाओ, इन्फ्लेशन को हटाओ। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट ले ली। वो कैसे ली सर, मैंने किया ये कि सर यहाँ पर 483153 लिखा, मैंने कहा सर लिख लिया। ये कब की वैल्यू है सर, 5 सालों बाद की है। इसके अंदर क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। भाई अगर मैं कहूँ कि मुझे पैसे पे करने 5 सालों बाद, सर 5 सालों बाद जो पैसे पे करने हैं वो टेक्निकली ज़्यादा ही होंगे ना, ज़्यादा इसलिए होंगे क्योंकि भाई आप एक सिंपल उसूल रखो, कोई आपको बोले कि भाई आज पैसे देने हैं तो आप आज पैसे दोगे, कोई आपको बोले कि भाई आपको 2 साल बाद पैसे देने हैं तो सामने वाला बंदा क्या आपसे 2 साल बाद भी वही पैसे लेगा या ज़्यादा करके लेगा? भाई वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंक्लूड करके लेगा। अब लेट से अगर मैंने एक प्रॉपर्टी अभी रिसेंटली परचेज की, उसका सौदा चल रहा था, तो मैंने उसको कहा कि यार मैं तुझे पैसे ना 1 साल बाद दूंगा, यानी अभी पैसे ले ले, और यानी मेरा कुल मिला के सौदा हुआ था कोई समझ लो कि भाई कोई 1 करोड़ रुपए का, सही है जी। अब मैंने कहा उसमें से भाई 60 लाख रुपए आज ले लो, 40 लाख रुपए तुम 1 साल बाद ले लेना मुझसे, सही है जी। तो सामने वाले बंदे ने कहा भाई 1 साल बाद मैं तुझसे 40 नहीं लूंगा, 1 साल बाद मैं तुझसे 40 नहीं लूंगा, 1 साल बाद जो मैं तुझसे पैसे लूंगा वो 40 नहीं होंगे, 40 से ज्यादा होंगे। मैंने कहा क्यों भाई? उसने बोला भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट तो देखो, तो तुम मुझे पैसे ज्यादा दोगे। तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि जो वो अमाउंट आपको बता रहा है एग्जामिनर या मेरे सवाल में जो अमाउंट है वो 483153 की अमाउंट के अंदर इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी शामिल है। आप उसको हटाएं और देखें अगर आज आप पे करते आज, तो आज उसकी वैल्यू क्या होती, क्योंकि आप पीपी को कैपिटलाइज कर रहे हैं आज की टर्म्स में। तो सर मैंने ये कहा कि देखें सर मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है 10%, तो मैंने सिंपली एक काम ये किया बच्चों कि मैंने इसको 1.1 की पावर 5 से डिवाइड कर दिया, मैं इसको लेके आ गया 5 सालों पीछे, इसमें से मैंने इंटरेस्ट का कंपोनेंट हटा दिया। तो सर अगर मैं इसको 483153 को डिवाइड कर रहा हूँ 1.1 की पावर 5 से, तो ये आ गया 3 लाख। मैंने जानबूझ के ऐसी फिगर रखी है कि राउंड फिगर है। तो सर मैं आपसे ये कहूँ कि कोई आपसे पूछे कि आपको बच्चों ये पीपी कितने का पड़ गया, तो आप बोलेंगे भाई एक तो ये अमाउंट है और दूसरी जनवरी 1 पे बिल्डिंग डेबिट और प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्रेडिट कितने से, भाई 3 लाख रुपए से ये आ गया। यानी कुल मिला के मेरी बिल्डिंग की कॉस्ट में कितनी कैपिटलाइजेशन आ गई सर, मेरे पास 5.3 मिलियन की ये बिल्डिंग आ गई और एक लाइबिलिटी आ गई प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग, मैंने लाइबिलिटी रखी, ये आज की वैल्यू है, ये आज की वैल्यू, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ये आज की वैल्यू है। सर आई होप आपको अब तक सिर्फ पहले दिन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं फिर रिपीट करता हूँ आपको। IS 16 ये कहता है कि आपने अपने एसेट को एक्वायर करने के लिए जो भी कॉस्ट इंकर की अपनी जेब से या जो करेंगे आप वो एसेट की कॉस्ट में पार्क करें, पर आज की टर्म्स में पार्क करें, आज की टर्म्स में पार्क करें। मैंने कहा भाई आपने बिल्डिंग के लिए इटसेल्फ कितने दिए, आपने बोला 5 मिलियन, और आपने इस बिल्डिंग पे डिमोलिश करने के लिए और कितना खर्चा करना है डिसमेंटलिंग के लिए, सर आपने कहा मुझे और खर्चा करना है भाई 483153। सर मैं 483153 को नहीं कैपिटलाइज कर सकता, वो 5 साल बाद की वैल्यू है, उसके अंदर इन्फ्लेशनरी टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट भी शामिल। आप उसको हटाएं और देखें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हटाकर आपके पास आज उसकी वैल्यू क्या बनती है। तो आपने कहा 3 लाख रुपए, अभी आपने होल्ड ऑन करना है, हम इसको आगे तक लेके चलेंगे, पर एक बात क्लियर होनी चाहिए कि मेरे पीपी की कॉस्ट कितनी हो गई 5.3 मिलियन। यानी आज ही अगर मैं किसी ठेकेदार को बुलाता हूँ और मैं बोलता भाई ये ले पैसे और तू मुझे आखिर में इसको 5 साल बाद डिमोलिश करके देता, तो मैं इसको 3 लाख रुपए देता जो कि मैंने अभी दिए नहीं है, तो ये आज की वैल्यू है। तो एसेट की कैपिटलाइजेशन कितनी हो गई, एसेट कितने पे आ गया सर, 5.3 मिलियन पे आ गया। तो सर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल ऑफिस बिल्डिंग कॉस्ट इज रुपीज 5.3 मिलियन, ये बात की है, और एक ये लाइबिलिटी आ गई है, और सर एक ये लाइबिलिटी आ गई है, आपने प्रोविजन बुक किया हुआ, दैट मीन्स कि यू नीड टू सेटल दिस अमाउंट। पर सर सेटल तो आगे ज्यादा पे होगी ना, अभी एक एक करके देखते हैं। मैंने कहा सर यहां तक कहानी की है तो उसको एक और स्टेप आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा सर अब मैं आ गया 31 दिसंबर 2020 पे, मैंने कहा सर अब मैं आ गया 31 दिसंबर 2020
20 पे, यहाँ पर मैंने कहा 31 दिसंबर 2020। सही है जी? मैंने कहा सर आप तो पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट या अक्यूमुलेटेड क्रेडिट कर दें, या सर ऑफिस बिल्डिंग को क्रेडिट कर दें, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, अलग अलग लेके चलो, नेट बुक वैल्यू पे बनाओ, बात एक ही है। मैंने कहा सर मैंने यहाँ पर 5.3 मिलियन को डिवाइड कर दिया 5 से, क्योंकि लाइफ कितनी है, 5 साल। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, प्लीज बच्चों सुनना, क्या मैं कह सकता हूं कि मैंने मैंने जो है ये जो एक्सपेंस बुक किया डेप्रिसिएशन का, सिर्फ 5 मिलियन पे नहीं किया, 3 लाख रुपए पे भी बुक किया। यानी जो पैसे मैं 4848 वाली, जो 483153 की अमाउंट दूंगा, उसको मैं उसमें से 3 लाख रुपए, यार ये बहुत अहम बात है, क्योंकि वरना ये बच्चे रट्टा लगाते हैं, सुनिएगा, मेरी जेब से कितने जाएंगे, 483153, जिसमें से 3 लाख रुपए मैंने कैपिटलाइज किया, और 3 लाख रुपए को मैं एक्सपेंस में डाल रहा हूं 5 सालों की मद में डेप्रिसिएशन के नाम पे। यानी 3 लाख तुमने कैपिटलाइज किए, और इसी ही 3 लाख रुपए को तुम ओवर द पीरियड पीएनएल में एक्सपेंस आउट कर दोगे, कितने सालों में, 5 सालों के अंदर। तो सर ये 3 लाख रुपए से जो ऊपर की अमाउंट है वो क्या है, वो आपको मैंने बताया ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, वो देखो कैसे बुक होती है, अभी सिखाता हूँ, पर यू नीड टू मेक इट क्लियर। यानी सर 483153 में से मैं यहाँ पे भी ब्रेकअप बना देता हूँ बच्चों, ताकि आपको याद रहे, ताकि समझ आए कि सर 483153 कि अगर मैं अमाउंट यहाँ पे लिखूँ तो सर इसमें से मैंने सिंपली एक बात कही कि 3 लाख रुपए, सही है, इस एक्सक्लूसिव ऑफ सर, एक्सक्लूसिव क्या, एक्सक्लूसिव ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये आ गया। और सर मैं इसको जरा नीचे ले जाऊं, मैंने कहा सर एक्सक्लूसिव ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये बात समझ आ गई। और सर इसके अंदर बाकी क्या है, सर इसके अंदर बाकी क्या, सर बाकी है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बाकी क्या है सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैंने ये कहा कि सर इसको अगर मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँ आपको समझा पाऊँ, और मैंने कहा सर ये बाकी आ गया मेरे पास 483153 और 3 लाख रुपए का डिफरेंस, सही है। यानी ये क्या है मेरा, ये मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट है, पे ये भी करना है, पे ये भी करना है, पर ये डेप्रिसिएशन के नाम पे एक्सपेंस आउट होगा, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम पे होगा, बात क्लियर है? तो ये मुझे आपको एक बेसिक चीज बतानी थी, बेसिक फर्क समझाना था इस अकाउंटिंग का, क्योंकि जो एसेट की कॉस्ट में उस वक्त के हिसाब से जाना चाहिए चला गया, वो एक्सपेंस आउट हो रहा है। सर बकाया क्या हो रहा है, सर बकाया भी एक्सपेंस आउट होगा, पर एक्सपेंस होगा किस किस उस मद में, सर इस मद में कि उसको मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस कहूंगा, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, वो फंड्स को बॉरो करने की कॉस्ट है, बात क्लियर है? अब एक बच्चा लेटा हुआ देख रहा होगा, बोलेगा सर ये तो बोरिंग कॉस्ट होगी, कैपिटलाइज क्यों नहीं किया। भाई आपके पास बोरिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट किस पे लगता है, सर उन एसेट्स के ऊपर जो आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जिनको बनने में टाइम लगेगा, ये तो रेडीमेड है, बात क्लियर है? ये तो ये फंड्स को लेटर पे करने की कॉस्ट है, वो आप बियर कर रहे हैं। चलिए जी आगे, मैंने कहा सर एंट्री यहाँ पे खत्म नहीं होती, खुदा रहा यहाँ पे एंट्री खत्म नहीं होती, सर मैंने यहाँ पर एक और एंट्री बनानी है, और मैं बहुत डिटेल में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यू नीड टू मेक इट वेरी क्लियर, सवाल आ गया तो लग पता जाएगा। मैंने कहा सर यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट किया, सही है जी, और प्रोविजन फॉर डिसमेंडलिंग को क्रेडिट किया। अच्छा भाई सुनिएगा, सर मैंने ये इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट किया, सर मैं टेक्निकली अपनी लाइबिलिटी को इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि हाँ यार मैंने जो अभी एक बंदे को बोला कि भाई मैंने इतने पैसे इंकर करने हैं, ये तो आज की टर्म्स है ना, ये तो आज की वैल्यू थी पीपी में कैपिटलाइज होगा, लाइबिलिटी इतने पे रहेगी, ग्रो होगी, सर ग्रो होगी क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। पर याद रखिएगा मैं 5 सालों तक 1 रुपया भी पे नहीं करूंगा, मैं 5 सालों तक 1 रुपया भी पे नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा सर, इसको ग्रो कराऊंगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करूंगा, और लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज होती रहेगी, और होते 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 आखिर में जाके क्या हो जाएगी, पे हो जाएगी, बात क्लियर है? तो सर मैंने यहाँ पर ये किया, मैंने इस 3 लाख रुपए पे 10% लगाया, तो वो आ गया 30,000। तो सर क्या मैं ये कह सकता हूँ अभी, तो मैंने ये जो एक्सपेंस निकाला है मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 3 लाख रुपए पे 10% मेरी लाइबिलिटी कितने से इंक्रीज हो गई, सर यहाँ पर लिख देते हैं, ये आ गया इंक्रीज इन लाइबिलिटी बिकॉज नॉट सेटल्ड, सही है, सेटल नहीं हुई तो लाइबिलिटी क्या होगी इंक्रीज। भाई मैं कह रहा हूं कि मैंने आज 3 लाख रुपए लिए, सही है जी, और मुझे आगे सेटल करने ज्यादा, तो जब ज्यादा सेटल करने तो बाकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, वो मेरी लाइबिलिटी को क्या करता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, वो यही तो कह रहा है, जो चीज जिस मद में उस नाम से बुक करो। तो सर आपने कुल मिला के कितने पे करने थे, 483153, इसमें से 3 लाख रुपए आप कहें कि एक्सक्लूसिव ऑफ टाइम वैल्यू मनी, वो पीपी में चले गए,
वो भी एक्सपेंस आउट हो गए डेपोजिशन के नाम पे, तो बाकी भी तो एक्सपेंस होगा किस नाम पे, इंटरेस्ट के नाम पे, आखिर में जाके पे हो जाएगा। तो सर बाकी वो 5 मिलियन भाई खुदा रहा वो तो पे भी हो गया, वो तो सिर्फ अब यूज होके डेप्रिशिएट हो रहा है। तो आई होप आपको एक पूरी पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में करवा रहा हूँ, बहुत डिटेल में, अज्यूमिंग के कुछ भी नहीं आता आगे। अब मुझे आप एक बात बताएं सर, ये तो कहानी हो गई यहां तक, अब मैं यहां पर आपकी बैलेंस शीट बनाऊं, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बनाऊं। तो सर बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट के अंदर आपके पास पीपी आ रहा होगा, आपके पास पीपी आ रहा होगा सर, और पीपी आ रहा होगा कुछ इस अमाउंट से कि आपने 5.3 मिलियन को उठाया, और 5.3 मिलियन में से आपने ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस किया, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस किया, 4240 पे आपकी कैरिंग अमाउंट आ गई। सही है जी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5.3 मिलियन माइनस 10600000। ऐसा ही है भाई, ये आपके पास कुल मिलाकर आ गया सर, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बाद यानी कैरिंग अमाउंट आ गई। मैंने कहा सर आपके पास प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग भी आएगा। अच्छा सर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कितने पे आएगा? सर 3 लाख रुपए पे था, 1 रुपया भी सेटल नहीं हुआ तो ये आ गया, 3:30 हो गया। बात क्लियर जानी सर? ये बैलेंस शीट जो आपने बनाई है ये कौन से साल की बनाई है? सर ये बनाई है एज एट 31 दिसंबर 2020, अज्यूमिंग कि हमने इसी दिन खरीदा है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, जनवरी 1 पे खरीदा, तो आगे तक ये कहानी है। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? अब मैं आ गया इसको आगे लेकर, अब आपने साथ बने रहना है ताकि आप इसको अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली लेके चलें, अकॉर्डिंगली लेके चलें मेरे साथ। मैंने कहा सर मैं आ गया यहाँ पर 21, और मैंने कहा ये भी रहा 21। सर क्या आप कह सकते हैं, जानी क्या आप कह सकते हैं कि मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस विल रिमेन सेम बिकॉज बिकॉज स्ट्रेट लाइन मैटर्ड? फिर 3 लाख रुपये में से कुछ ना कुछ इसमें डेप्रिशिएट हुआ है, पर मैं कह रहा हूँ कि बकाया ये जो वैल्यू है 183153, ये भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है ना, ये तो एक्सपेंस होना चाहिए। इसमें से 30,000 आप बुक कर चुके हैं, अब देखते हैं बकाया क्या। अब मैं आपसे ये पूछूं, फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, क्या मैं कह सकता हूँ कि अब मैं जो इंटरेस्ट लगाऊंगा वो 3:30 पे लगाऊंगा? 3:30 कैसे? देखो ये रहा, लाइबिलिटी की वैल्यू पिछले साल चेंज हो गई थी ना, क्योंकि आपने कहा कि भाई मेरी 3 लाख की लाइबिलिटी, 30 का इंटरेस्ट आ गया, कुछ भी रीपे नहीं हुआ, वो क्लब हो गया, 3:30 हो गया। अब इंटरेस्ट इस पे दूंगा 3:30 पे, क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है, कंपाउंडिंग हो रही है क्योंकि मुझे आगे जाके पैसे पे करने ज्यादा। तो सर वो 3 लाख रुपए कहाँ गए? खुदा के वास्ते कह रहा हूँ वो 3 लाख रुपए पीपी में कैपिटलाइज हो चुके हैं, और वो एक्सपेंस आउट भी हो रहे हैं। किस नाम पे? डेप्रिसिएशन के नाम पे। और बाकी एक्सपेंस कैसे बुक हो रहा है? इंटरेस्ट के नाम पे, क्योंकि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। सिंपल सिंपल उसूल है सर, हमने ये कहा कि हम यहाँ पर 3:30 पे अगर 10% लगा दें तो क्या कहने, वो हो गए 33,000 रुपये। सर मैंने कहा अगर मैं यहां पर फिर एक बैलेंस शीट बनाऊं, और सर बैलेंस शीट बनाऊं यहां पर मैं ये, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर मेरे पास अब बुक वैल्यू कितनी थी? इसको यूं कर सकते हैं 2 बार ये बुक हो चुका है, तो सर मैं तो सिंपली यहां से बुक वैल्यू उठाई, इसमें से इसको कटाया, ये आ गया, और सर मेरे पास ये प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग में ये ऐड हो गया। अब मेरा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कितने पे आ गया सर? 363,000 पे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या ये मानते हो, क्या ये मानते हो इसमें से 3 लाख रुपये पीपी में जा चुके हैं, और ये जो 63,000 है वो इंटरेस्ट के नाम पे बुक हुए हैं, वो ये लाइबिलिटी को क्या कर रहे हैं? ग्रो करवा रहे हैं। आई होप दिस इज ऑल क्लियर। सर फिर मैंने कहा आ जाए जी सर, इसको एक और स्टेप आगे लेके चलते हैं, एक और स्टेप आगे लेके चलते हैं। मैंने कहा सर ये रहा, मैंने सर फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये बुक किया, क्या ये मानते हो कि अब मैं जो इंटरेस्ट बुक करूंगा वो 363 पे बुक करूंगा? सर क्यों? क्योंकि सर 2 साल कंपाउंडिंग हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 363 कर दिया, और ये प्रोविजन। यानी सर देखें बात वही है अभी भी कि भाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है मुझे आगे पैसे पे करने हैं, तो मैं इंटरेस्ट कॉस्ट बुक करता जा रहा हूँ जिसको मैं आगे जाके सेटल करूंगा। तो है तो मेरा पूरा ये जो अमाउंट थी ना मेरी, ये वाली 483153, ये पूरा ही मेरा एक्सपेंस है, बट कुछ पीपी के अंदर जाके डेप्रिसिएशन के नाम पे होगा, क्योंकि दैट रिलेट्स टू पीपी, और बाकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो उसके हिसाब से एक्सपेंस आउट हो रही है और आगे जाके पे हो जाएगी, दैट सेट, कहानी खत्म। अब मुझे एक बात बताएं सर, यहाँ पर 2021 की अगर मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ, आई थिंक दिस वुड बी 22, और ये हो जाएगा 2021, ये 20, अब सही है। अच्छा भाई अब मैंने कहा कि सर ये मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा,
हम चेक कर लेते हैं उसको, लिंक्स अपडेट हो गए सर, डेफिनेटली हो गए, हमने इसको उसमें प्लस कर दिया। सर ये कितने साल हो गए, 20, 21, 22, 3 साल हो चुके हैं। मैंने कहा सर आ जाएं जी, अब तो और आसान है हमारे पास, क्योंकि मैंने तो सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और वो एक्सेल की शक्तियों से ये अपडेट होता रहेगा। सर मैंने कहा कि अब मैं अगर इसको 23 कर दूँ, इसको भी 23 कर दूँ, और सर यहाँ पर ये 22 था, ये भी 22 था, तो सर क्या आप ये बात मानते हैं कि अब मेरे पास जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, अब मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस फिर अपडेट हो गया? क्यों सर? क्योंकि कंपाउंडिंग हो गई है। सर अब मैं अगर ये कहूँ कि ये मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, ये आ गया। सर देखिए 1 साल की कैरिंग अमाउंट बची है, 1 साल की कैरिंग अमाउंट बची है, और वही 3,04,000 डेप्रिशिएट हो चुका है। और सर मैंने कहा प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग फिर अपडेट हो गया। सर प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग क्या हो गया? फिर से अपडेट हो गया, ये आपकी आंखों के सामने आ रहा है। अच्छा जी, मैंने कहा सर क्या ये मानते हो इस 439,230 में 3 लाख रुपये पीबी में चले गए थे, और 139,230 से जो इंक्रीज हुआ वो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक हुआ आज तक का, जो कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बुक करता भी आया हूँ। बात क्लियर है जानी? आगे मैंने कहा सर आखिरी साल और फिर द गेम इज ओवर, ये खत्म हो जाएगा हमारा, और फिर हम इस पर कॉम्प्रिहेंसिव सवाल कर लेंगे एरर के ऊपर, ताकि आपको वो बात समझ आए। मैंने कहा सर मैं आखिरी आखिरी साल यहाँ पे प्लेस इन करूँ। मैंने कहा सर ये रहा, प्लीज़ देखिएगा। सर मैंने कहा ये आ गया 2024। मैंने कहा सर इसको भी 24 करें, इसको भी 24 करें। मैंने कहा सर देखें अब एसेट पूरा डेप्रिशिएट हो गया, ज़ीरो हो गया, पूरा डेप्रिशिएट हो गया बच्चों, क्या हो गया? ज़ीरो हो गया। और देखो मैंने फिर इतने से इंक्रीज़ की, और मैंने क्या यहाँ पे अमाउंट इंक्रीज़ की थी, नहीं ये अमाउंट भी चेंज करनी है मैंने, 399,300 थी। अच्छा भाई ये यहाँ पर आ गई 439,230, 439 हमारे पास आ गया 230, सही है जी। अच्छा देखें ये अमाउंट आ गई वही वाली 483,153। अब सर आप क्या एंट्री बनाएंगे 31 दिसंबर पे? सर 31 दिसंबर पे आप एक एंट्री बनाएंगे, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से सर? इसी अमाउंट से जो आपको दिख रही है 483,153, क्योंकि आप ही वो शख्स थे, आपको पता था, पर देखें आपने किया क्या, 483,153 की प्रेजेंट वैल्यू ली, आपने कहा कि भाई इसमें से टाइम वैल्यू ऑफ मनी हटाओ, अगर आज ही पे करता तो पीपी के लिए इतने देने पड़ते, अगर ठेकेदार को आज ही पैसे दूं, तो हमने क्या किया पीपी की कॉस्ट में क्या अप्लाइज कर दिया दैट रिलेट्स टू पीपी, और मैंने कहा भाई प्रोविजन एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। अब मैंने कहा कि भाई वो जो पीपी से रिलेट होता था वो 3 लाख रुपये एक्सपेंस आउट होते रेपिसिशन के नाम पे, और बाकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो उसको उस नाम पे बुक करो। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओवर द पीरियड में इसको लेके आया हो, तो सर अब मैं इसको अगर सेटल करूँ तो मैं कितने पे करूँगा? सर मैं इसको सेटल करूँगा 483,153 पे, ये रहा जी। मैंने कहा सर ये किया, और सर क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पास अब ये बैलेंस ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ सेटल हो चुका है। तो सर आप इस कॉन्सेप्ट को लिखें, समझें, इसका मैं पीडीएफ देता हूँ, अगली क्लास में मैं आपको करा देता हूँ उसका एक बेहतरीन से पास पेपर जुदा कर।